नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष के तमाम उपायों में एक उपाय ऐसा भी होता है जिसमें पानी में कुछ चीजें मिलाकर स्नान करने को कहा जाता है, लेकिन इसमें भी ये कंफ्यूजन अक्सर बनी रहती है कि नहाने वाले पानी में कौन सी चीजें मिलाने से क्या फायदे होंगे। आज इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए अंत तक जरूर देखें हमारी वीडियो। ज्योतिष के अनुसार अगर नहाने वाले पानी में इलायची, केसर, गुलहठी और लाल रंग के कोई भी फूल मिलाते हैं और फिर उस पानी से स्नान करते हैं तो इससे कुंडली में सूर्य के दुष्प्रभाव खत्म हो जाएंगे। इसी तरह अगर पानी में सफेद चीजें जैसे कि सफेद चंदन, सफेद फूल, सीप, शंख और गुलाब की पंखुड़ियां मिलाकर स्नान करते हैं तो इससे अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब है तो वो अच्छी हो जाएगी। तो वहीं मंगल के दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए पानी में लाल चंदन, लाल फूल, बेल, वृक्ष की छाल, जटामासी, हींग मिलाकर स्नान करें। इससे आपको ढेरों लाभ होने की संभावना है। तो वहीं अगर नहाने वाले पानी में थोड़े से चावल और जायफल मिलाते हैं और फिर उससे स्नान करते हैं तो कुंडली में बुध की दशा ठीक हो जाएगी और उसके दुष्प्रभाव भी खत्म हो जाएंगे। और अगर नहाने वाले पानी में सफेद सरसों, दमयंती, गूलर और चमेली के फूल मिलाकर स्नान करते हैं तो कुंडली में गुरु के दुष्प्रभाव खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा अगर पानी में जायफल, मैंसिल, केसर, इलायची और मूली के बीज मिलाकर नहाते हैं तो शुक्र के दुष्प्रभाव खत्म हो जाएंगे। साथ ही इस उपाय से वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानी भी खत्म होंगी। वहीं अगर नहाने के पानी में सरसों, काले तिल, सौंफ, लोबान, सुरमा, काजल मिलाकर स्नान करें तो शनि के दुष्प्रभाव खत्म होते हैं और शनि देव प्रसन्न भी होते हैं। और अगर नहाने के पानी में लोबान, कस्तूरी, गजदंत आदि सामग्री मिलाकर स्नान करें तो राहु की पीड़ा से जल्द मुक्ति मिलने के चांसेस हैं। और आखिर में अगर कुंडली में केतु की समस्या है तो नहाने वाले पानी में लाल चंदन मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में किसी भी व्यक्ति के जीवन में ग्रहों की दशा को बहुत अहम माना जाता है, क्योंकि कुंडली में बैठे ग्रह और उनकी स्थिति के अनुसार ही मानव के जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। माना जाता है कि अगर ग्रह शुभ हों तो व्यक्ति को बिन मांगे हर चीज मिलने लगती है, यहाँ तक कि मन की हर इच्छा पूरी होती दिखने लगती है और तो और बिना मेहनत के आप ऊंचाइयों पर पहुँचने लगते हैं। वहीं अगर ग्रह अशुभ हो तो जातक अपने जीवन में कड़ी से कड़ी मेहनत के बाद भी अपनी मंजिल को नहीं पाता। तो कैसी लगी हमारी वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की जानकारी लेने के लिए जुड़े रहें कुंडली टीवी से।